तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो कि इसमें क्या कहा जा रहा है अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो एक लाइट रेट ट्रेवल करती है अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो कहती है कहता है ये ठीक है चलो मान लो कहती है कहता है जो भी है लाइट रेट ट्रेवल थ्रू ए ग्लास स्लेब आप थीनेस टी मतलब टी थिकनेस का ग्लास का स्लैब है तो मैं ग्लास का स्लैब आपके लिए बना ही लेता हूँ दिस इज द ग्लास स्लेब जिसकी थिकनेस है वो टी है दिस इज द थिकनेस टी तो अगर इस इसकी थिकनेस टी है और हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके पास म्यू है समझ में आ रहा है इफ़ सी इज द स्पीड ऑफ लाइट सी लाइट की स्पीड है कथा टाइम टेकन टू ट्रेबल दिस ग्लास लाइफ मतलब लाइट को एक पार से दूसरे पार जाने में एक साइड से दूसरे साइड तक तो जाने चलो मान लो नॉर्मली पड़ती है तो नॉर्मली पड़ती है तो ऐसे चली जाएगी तो लाइट को एक साइड से दूसरे साइड तक जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा मतलब ए से बी पॉइंट तक टाइम कितना लगेगा तो टाइम का सिंपल सा डिफिनेशन है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन यहाँ से स्पीड, ठीक ना टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड अब लाइट की जो स्पीड है यहाँ पर भी थी यहाँ पर वैक्यूम में सी थी तो डिस्टेंस तो थकनेस टी चलेगी और स्पीड भी होगी हम सबको पता है कि जो म्यू होता है वो सी बाई भी होता है तो वी की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन म्यू और ये यह यहाँ पर रख दोगे तो टी और म्यू सी आ जाएगा म्यू तो टी म्यू और सी तो म्यू टी अपन सी मतलब बी ऑप्शन अपना सही हो जाता है आसान सवाल था ठीक है ना आयु की आपको समझ में आ गया तो बाय बाय टेक केयर